इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भारत धर्म क्षेत्रों का देश है, भारत वेद भगवान का देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, तीर्थों का देश है। और ये आश्चर्य नहीं, भारत सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू भागवत भक्तों से ही प्राप्त होता है। अधिक 63% रेवेन्यू ये भगत जो तीर्थ यात्रा करते हैं उत्सवों में, 9 दिन इधर 9 दिन उधर, एक माह श्रावण में, अरे कितनी तिथियां हैं। आप जितने लोग बैठे हैं वर्ष में किसी न किसी तीर्थ पर सभी लोग जाते होंगे, न जाते तो इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है। द्वारिकाधीश भगवान के ध्वज को लगाने के लिए कई वर्षों की बुकिंग है, आप बुक करोगे साल भर बाद नंबर आएगा। भगत लोग तो करते हैं, कौन करता है। एक व्यक्ति यात्रा करता है तो उसके द्वारा कम से कम 1000 रुपये सरकार की कोष में जाता है। कैसे? टिकट लेंगे, जाके कहीं रुकेंगे उनसे टैक्स जाएगा, टिकट में भी आजकल GST लग गया है, फिर वो कौन एक और से टैक्स लगा है, जो जाएगा कुछ खरीद फरोख्त करेगा, नाना विधि। आप जो तीर्थ क्षेत्रों जाने का समय है उस समय देखिए, कहीं तीर्थ का कोई टिकट नहीं मिलता। हेलीकॉप्टर से बद्री केदार जाना हो 15 दिन का वेटिंग है, मिलेगा ही नहीं। क्यों? आखिर जब लोग नहीं जाते हैं तो क्यों ऐसा होता है। इस प्रकार एक शोध आया है, एक विद्वान है श्री प्रदीप कुमार सिंह मुंबई, उन्होंने शोध किया है कि 63% रेवेन्यू भारत सरकार को भागवत भक्तों के तीर्थ यात्रा से प्राप्त होता है। 63% उसमें भजन भी है, गीत भी है, गाना भी है, पटका भी है, रामनामा भी है, सब शामिल है। इतना बड़ा बाजार है धर्म क्षेत्र का, शोध पर न पता चलता है, लेकिन हम लोगों की कहीं गिनती नहीं है। भक्तों को तो कोई न घर में पूछता है न बहरवा पूछता है, तो सरकार का खाक पूछेगी। हम लोगों को लोग थर्ड डिवीजन में रखते हैं, इनको भी भोजन वोजन दे दो भाई। अरे हम ही तो मूल हैं। भगत के भजन से परिवार सजता है, भगत के भजन से परिवार सजता है, नहीं तो ये जो काऊ मेल पार्टी है इसका भगवान मालिक है, 24 घंटा एक ही काम है और कोई काम नहीं। भक्तों के भजन का प्रभाव ही है कि परिवार अपने रंग में रहता है। इसलिए भगवान सर्वत्र एक न एक भगत भेज देते, जाओ भजन करो, सबको हमारे में लगाए रहो, उत्पात से बचाए रहो। बरात सजी साहब, इधर इधर मिथिलापति को जैसे ही खबर चली है, आवत जान भानु कुल के तू सरितन जनक बंधाए। जनक राज के जो मित्र राजा थे सबको खबर हो गई कि हमारे घर में बिटिया के विवाह महोत्सव हेतु अयोध्या नाथ बरात लेकर आ रहे हैं, इसलिए साहब सब लोग अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नदियों पर पुल बंधन करवाइए और उसका सारा व्यय मिथिला से जाएगा। लोग कहते हैं आजकल तो बड़ी सुविधा हो गई है, कुछ सुविधा नहीं हो गई हो, 4 दिन में पुल बन के सारे तैयार हो गए थे। कम से कम 7 नदियां पड़ती हैं मिथिला तक, सब पर पुल बन गए, पीपे का पुल, अब बारात भी अयोध्या नाथ की, हाथी घोड़ा पालकी सब एक साथ चल पड़े, चली बारात। परिणाम कैसा, आनंद कैसा, दर्शन करिएगा। जहां जहां बारात को विश्राम स्थली है मिथिलेश ने सब जगह
भोजन जलपान की भी और सुंदर सुपास रहने की व्यवस्था बनवाई है। ऐसा साज सजा, यह व्यवहार शास्त्र है। आपके यहां कोई आ रहा है तो मार्ग में उसकी सारी सुविधा असुविधा का ख्याल करना आपका कार्य है, वो नहीं करेगा। और जिसको भी आप बुला रहे हो उसके हर भाव का आप स्मरण रखिए। वो चलेंगे, जलपान कहाँ होगा, भोजन कहाँ होगा, मिलेंगे, स्वभाव जानिए, क्या लेंगे तो मिलेंगे। अभी कुछ कह दूंगा तो आप लोग तुरंत शाम को भेंट करने लगते हो, हैं? केवल फूल ना बरसाइए, थोड़ा खाने पीने की भी चिंता किया करिए। ये व्यवहार शास्त्र है, अपने बारे में नहीं कह रहा हूं। आप किसी को भी लेते हैं, कोई रिश्तेदार है, जमाता है, भाई है, आता है जाता है, मेहमान है, तो मिलते समय ये ध्यान रखिए कि उनका स्वभाव क्या है, वो क्या पाएंगे। जल तो हो ही साथ में, थोड़ा थल भी हो, पंच तत्वों से शरीर बना है, उसके बिना तो काम नहीं चलना है। व्यवहार इतना होना चाहिए। माताओं को तो अभ्यास रहता है, पुरुष तो ठन ठन पाले, उसको कोई अभ्यास नहीं रहता। आजकल एक और व्याधि आ गई है बहुत सारी, क्या है, महाराज भेटाई भर जाए, फोटो ले लू, फोटो क्या करोगे, फोटो इससे बाहर निकलो, चाहे जिसकी फोटो खींचते रहते हो, बेमतलब मोबाइल में रखे रहते हो, कोई लाभ है क्या? जिस कार्य से बहुत लाभ ना हो उस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान का दर्शन करने जाते हो, दर्शन हनुमान जी का करते हो और फोटो अपनी खिंचवाते हो, क्या खींचो? अरे तुम उनका दर्शन करो जिसको खींच रहा है। कई लोगों को बीमारी है, क्या बोलेंगे इसको, फोटेरिया, बिन मतलब फोटो खींचे। आप मेरी कोई फोटो ऐसी नहीं देखेंगे, व्यासपीठ के अलावा कोई फोटो आपको नहीं मिलेगी, बीमारी नहीं। दर्शन में भी जाते हैं, बच्चे खिंचाते, अपने राम जी नहीं खिंचाते, न खींचते हैं न खिंचवाते हैं। अच्छा मना करो तो लोग बुरा मानते हैं, बड़े आए फोटो वाले नहीं खींचेंगे, जाओ। अरे तो हम कहां बुलाए थे कि नहीं फोटो खींच लो भाई। व्यवहार में ध्यान रखिए, दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, पूरी आंख से दर्शन करो, फोटो खींच के ही क्या करोगे। प्रयास करो कि तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि भगवान ही तुम्हारी फोटो खींचने लगे। जीवन जीने की आदत डालो, इसे बाहर निकलो यार। फोटो रमई ही देखी परात जुड़ाई, रमई देखी परात जुड़ाई, प्रीत क्रीत न जाती बखानी, प्रीत क्रीत न जाती बखानी, सुतन समेत दशरथ ही देखी, सुतन समेत
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।